हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ़ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस सो so, आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में है उस इंसान की वर्तमान की भावनाएँ आपके लिए क्या है करेंटली वो क्या फ़ील कर रहे हैं क्या महसूस कर रहे हैं और उनके दिल की इमोशंस क्या है कौन से मैसेजेस आपको देना चाहते हैं ये आज हम डिटेल में देखेंगे सो so, एक ट्रैमलेस रीडिंग है जनरल रीडिंग है आप सबके लिए है आप सब इसे देख सकते हैं लास्ट में मैं आप सबके लिए थ्री लकी charms निकालूँगी जिसे अगर आप अपने पास रखते हो तो आपके लिए आपके लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ठीक है तो इन तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको चाम्स के बारे में भी पता रहे ओके सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए तो जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो तो उस इंसान का नाम आपको तीन बार लेना है ओके okay? सो so मैं आपको टाइम दे रही हूँ ओके सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन को आप दोनों के बॉन्ड से रिलेटेड एक हैप्पीनेस का एहसास हो रहा है ठीक है उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हैं ओके okay, मुझे यहाँ दिख रहा है कि करंटली आपके पर्सन को मन कर रहा है कि वो आपके साथ घूमे फिरे आपके साथ टाइम स्पेंड करे आपके साथ खाना खाए ठीक है आपसे प्यारी प्यारी बातें करे आपके साथ रहे सो so बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन अच्छे मोमेंट्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं ठीक है ठीके? उनके दिल में भावनाएं जाग चुकी हैं जागृत हो चुकी हैं इमोशंस ठीक है लव इज़ इन दी एयर इनके एनर्जीज बहुत अच्छी नज़र आ रही है एंड करंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इतना ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर आपके प्रति इनका इतना ज़्यादा प्यार बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि इनका मन कर रहा है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन्हें इतना वक्त मिले कि आपके साथ समय गुजार सके आपके साथ रह सके आपके साथ एंजॉय कर सके बेसिकली ठीक है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें आपके साथ अच्छे से रहना है प्यार से रहना है ठीक है आपको भी हैप्पीनेस देनी है खुद भी हैप्पी रहना है ऐसे इनकी एनर्जी मुझे चलती हुई नज़र आ रही है सो so, आपके पर्सन की जो एनर्जी जो दब चुकी थी या इनकी जो एनर्जी कम हो गई थी एफर्ट्स की कमी हो गई थी इस पर्सन के तरफ से इस रिश्ते में वो मुझे यहाँ पर ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है ठीक है क्योंकि करंट की एनर्जी इसी तरीके की इनकी चल रही है जहाँ पर ये इंसान ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये सही करना चाह रहे हैं या यू you नो know, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं बेसिकली बट मुझे यहाँ पर ये ज़रूर दिख रहा है कि इनकी फीलिंग्स एंड थाट्स दिमाग की ऐसे चल रही है जहाँ पर इनको लग रहा है कि ये मुझे इससे मिलना है मुझे इसके साथ रहना है हम दोनों घूमेंगे हम दोनों खाएंगे साथ में समय बिताएंगे साथ में करीब बैठ कर बातें करेंगे ढेर सारी तो इनको ना अच्छे मोमेंट्स बनाने का बहुत मन कर रहा है आप दोनों मतलब आप दोनों मिलके तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ सही है और सब कुछ सही भी हो जाएगा अगर आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो घूमते फिरते हो इन्जॉय करते हो समय को ओके okay, सो so मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त पर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में मुझे दिख रहे हैं बहुत अच्छी भावनाओं के साथ ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लविंग फ़ील कर रहे हैं आपके प्रति प्यार इनको बहुत फील हो रहा है ठीक है अट्रैक्शन के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर प्यार भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर और उसी चीज़ को लेते हुए इनको ऐसा मन कर रहा है कि बस ये आपको अपने करीब पाएँ और आप दोनों अच्छे अच्छे मोमेंट्स साथ में क्रिएट करो या फिर दोनों एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करो बेसिकली तो इसी चीज़ से पूरा का पूरा इस पर्सन का थॉट्स एंड इमोशंस चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है तो किसी भी तरीके का टेंशन आपके पर्सन नहीं ले रहे हैं कोई नेगेटिविटी नहीं है पूरा पूरा ये इंसान आपके ख्यालों में है आपको याद किए जा रहे हैं आपके साथ फैंटिसाइज़ कर रहे हैं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके साथ ठीक है अगर अभी आप दोनों दूर हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो कि ऐसे घूम रहे हो या ऐसे यू नो टाइम स्पेंड कर रहे हो इस तरीके की ये इंसान इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ उन मोमेंट्स को क्रिएट करना चाह रहे हैं एंड इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि काश जल्दी से हो जाए जल्दी से हम इनके पास जा सकें ऐसे इनकी एनर्जीज चल रही हैं ठीक है तो कोई भी नेगेटिविटी कोई कोई भी टॉक्सिसिटी कोई भी डाइवर्ट वाली एनर्जी कोई भी इन्फ्लुएंस कहीं तरीके से मुझे नज़र नहीं आ रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में मुझे बहुत प्योरिटी एंड क्लैरिटी नज़र आ रही है एंड उस क्लैरिटी में मुझे आप दिख रहे हो वो जहाँ पर वो बस आपको लेकर सोच रहे हैं आपको लेकर फील कर रहे हैं आप प्यार बेसिकली जो इमोशन्स हो सकता है अब तक वो उतना ज़्यादा फील नहीं कर रहे थे अब वो कहीं ना कहीं आपके साथ उन इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं एंड करेंटली उस फीलिंग्स को ये पर्सन प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो हो सकते हैं पहले नहीं देते थे ठीक है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एंड बेसिकली इतने ज़्यादा हाई वाइब्रेशन्स में है आपके पर्सन कि आपने भी रिसेंटली जब भी आप इस रीडिंग को देखो उसी दिन हो सकता है कि आपने भी बहुत ज़्यादा आपने एक्टिव फील किया होगा आपने भी बहुत लविंग बहुत इंटेंस एट्रैक्शन अपने पर्सन के टूवर्ड्स या सेक्शुअली आपने फील किया होगा चांसेस हो सकते हैं ठीक है क्योंकि आपके पर्सन बहुत हाई वाइब्रेशन में है तो वह हाई वाइब्रेशन में रहकर बहुत ही अच्छी एनर्जीज बहुत प्यार के साथ आपको याद कर रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो एनर्जी आप तक भी ज़रूर से जरूर पहुंचेगी अगर आप अभी टेंसड टेंस्ड भी थे या फिर यू you नो know, आपको कुछ फील नहीं हो पा रहा था इस पर्सन के तरफ से या अपना प्यार या फील नहीं कर पा रहे थे इस रिश्ते में तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे क्योंकि टाइमलेस है तो तभी उसी उसी दिन में या उसी वक्त में आपने ज़रूर बहुत अच्छा फील किया होगा वाइब्रेंट फील किया होगा एनर्जेटिक फील किया होगा लविंग फ़ील किया होगा ठीक है एंड uh, बहुत ज़्यादा आप यू नो इन्जॉय करने का मन आपका भी कर रहा होगा इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है सो फीलिंग्स आर वेरी वेरी यू नो मतलब मैं यू नो जनरली चेक करती हूँ आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स इज एंटेड बट आज की जो करंट फीलिंग दिख रही है वो इतनी खूबसूरत है इतनी खूबसूरत है ना कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूं अभी मैं आपको बोल रही हूँ ना तो आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा बट जो चैनलिंग मैं कर पा रही हूँ ना वो इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी फीलिंग है कि उसे मैं वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वो बस महसूस किया जा सकता है एंड आप भी अगर दिल से सुन रहे होंगे तो मैं जो कह रही हूँ वो भी आप दिल से महसूस कर पाओगे कौन कौन वो उस वाइप को आप लोग कैच कर पा फील कर पा जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्योंकि मुझे इतनी अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो रही है कि मैं क्या बताऊं मैं उसे समझा नहीं पा रही हूं आप सबको मैं दिखा नहीं पा रही हूं वो मैं खुद फील कर पा रही हूं और जब मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो जब आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं तो फिर उनको और आपको कितना अच्छा लग रहा होगा यही मैं आ, सोच रही हूं बेसिकली सो so, आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत अच्छी है एंड ये डेफिनेटली एफर्ट डालेंगे एंड डेफिनेटली आपसे बात करेंगे अगर आपकी बातचीत बंद है डेफिनेटली आपसे बात करेंगे बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे वो नहीं चाहेंगे कि झगड़े को लेकर या कोई प्रॉब्लम को लेकर अगर आप दोनों का डिस्कशन हो या बातचीत हो या क्लियर हो कुछ भी मुझे लग रहा है वो ऑटोमेटिकली वो चाहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो पीछे छूट जाए जो भी झगड़े हुए पीछे छूट जाए और अच्छी तरीके से हम दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करें जैसे कि कुछ हुआ ना हो इस तरीके की एनर्जी उन्हें चल रही है बिकॉज उन्हें अब लग रहा है कि नहीं अब आप दोनों का समय है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के कंपनी को एक दूसरे के साथ को चेरिश करो इन्जॉय करो फील करो ना कि ये सारे नेगेटिविटी में पड़े रहो तो ऐसी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चलती है मुझे नज़र आ रही है ओके सो ये उनकी करेंट फीलिंग्स थी, थी गाइस सो so, अब हम देख लेंगे कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए सबसे पहले है ये दूरिया मैंने मजबूरी में बनाई यस आई वॉश शेल्फ फिश तो जब जब भी आपसे अगर अब तक दूर है ना तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने हो सकते बस अपने बारे में वो सोचते गए और कुछ रीजंस थे पर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती और ये अपने बारे में सोच कर अगर आपसे दूर भी हो रहे हैं तो भी ये खुश नहीं हो पाए हैं अब तक तो अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे ठीक है अब वो वही करेंगे जो उनका दिल कहेगा और उनका दिल कर रहा है उन्हें आपकी तरफ आना है तो वो आपकी तरफ आकर रहेंगे माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉइड एवरीथिंग फीलिंग गिल्टी तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि इनको पता है कि इनके भी बहुत वीक पॉइंट्स हैं इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें यू you नो know, खराब करी है इस रिश्ते में आई to टू a happy फ्यूचर फॉर us. विल यू होल्ड my हैंड फॉर एवो ये पर्सन आपको बहुत जल्द प्रपोज करेंगे अगर आप दोनों अभी रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप या वन साइड लव में थे चांसेस हैं कि यह इंसान आपके साथ आपको कमिटमेंट के लिए या फिर इंगेजमेंट या फिर शादी के लिए आपको प्रपोज़ करें और आपसे कहे कि उन्हें आपसे कुछ सीरियस चाहिए ठीक है आई वॉन्ट टू न्यू बिगनिंग कॉज आई नो यू आर गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन ये पर्सन आपको अश्योर करना चाहते हैं कि इनको जिंदगी में लव लाइफ में कोई चाहिए तो वो आप हैं और आपके साथ ये नई शुरुआत या कमिटमेंट में आना चाहते हैं अपना भविष्य देखते हैं आपके साथ क्योंकि इन्हें लगता है कि आप दोनों का मिलना और आपका उनके ज़िंदगी में आना एक डिवाइन गिफ्ट है उनके लिए ठीक है और आपके आने के बाद उनके दिलो दिमाग में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं उन्हें फील भी हुआ है कि सच्चा प्यार क्या होता है कैसे होता है ठीक है तो सारी चीज़ों का रियलाइजेशन इस पर्सन को है एंड अब बस ये हैप्पीनेस में फोकस कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में ओके okay? सो so, हम चाम्स देखेंगे लकी चाराम्स ठीक है तीन लकी देखेंगे उन तीनों में से कोई भी चाम्स आप वेयर कर सकते हो या अपने पास रख सकते हो और वो उनमें से कोई भी तीनों में से कोई भी चामा आप रखोगे तो आपके लिए यू नो बेनिफिशियल होगा तो तीन चाम है सबसे पहले यहाँ पर आ गया है बटरफ्लाई चाँप ठीक है ये चाम आप कहीं से परचेज भी कर सकते हो या मेरे पास से भी आप एनर्जाइज फॉर्म में ले सकते हो ठीक है तो ये बटरफ्लाई चाम है ज़रूरी नहीं है कि सेम डिज़ाइन हो बटरफ्लाई का कोई भी चाम आप लॉकेट की तरह वेयर कर सकते हो ब्रेसलेट में लगा कर वेयर कर सकते हो या फिर किसी भी वाइट क्लोथ में रैप करके आप अपने बैग में या जहाँ पर भी आप अपने पॉकेट में रख सकते हो ठीक है ये आपके लिए बहुत लकी होगा आपके लव लाइफ के लिए बेसिकली तो ये है बटरफ्लाई चाम ठीक है यहाँ पे मैं रख देती हूँ दूसरा वी हैव दिस टॉटॉयस और टर्टल ठीक है ये चाम भी आप वेयर कर सकते हो अपने पास रख सकते हो टाटॉयस चाम जरूरी नहीं इसी डिज़ाइन का हो इसी तरीके का अगर आपको सिमिलर चाम मिले आप रख सकते हो अपने पास या मेरे पास से भी आपको चाम्स मिल जाएंगे ठीक है एनर्जाइज फॉर्म में और ये है एंजल चाम ठीक है तो इन तीनों चाँप आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ एक है बटरफ्लाई दूसरा है टॉटॉयस एंड तीसरा वी हैव दिस एंजल चाम और एंजल्स लिखा है एंजल्स वॉचिंग ओवर यू ठीक है तो इन तीनों में से कोई भी चाम आप अपने पास रख सकते हो या वेयर कर सकते हो इससे आपको जरूर से जरूर पॉजिटिव चेंजेस आपके लव लाइफ में देखने को मिलेंगे ठीक है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप भूल जाओगे या कुछ तो आप स्क्रीन भी लेकर रख सकते हो या फिर अगर आपको मेरे तरफ से चाहिए तो भी आप स्क्रीन लेकर इनमें से चूज करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये थी आप लोग की रीडिंग्स आई होप आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़ एंड मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय